वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू चैप्टर 11 एनर्जी। ओके, सो अटेंड टू मी। बच्चों, आज से हम लोग जो है सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 11 में हम लोग आज जो है एनर्जी के बारे में जानेंगे। एनर्जी जानने से पहले थोड़ा सा वर्क के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी मेक्स द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बच्चों, आप यह समझ लीजिए कि वर्क तभी होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मान लो फोर्स लगाते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, इस चेयर पर यदि हम फोर्स लगाते हैं और यदि यह कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, भी मूवमेंट करता है तो वर्क हुआ है। इस वॉल पर हम फोर्स लगाते हैं और यदि यह मूवमेंट नहीं करता है इसका मतलब हुआ कि वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है। मूवमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सेकेंड देखो, व्हेन ए फोर्स चेंजेज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ब्लैंक इज सेड टू बी डन। व्हेन ए फोर्स चेंजेज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ब्लैंक इज सेड टू बी डन, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, वर्क। थर्ड देखो, बोटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। इनर्जी, इनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इनर्जी क्या होता है, तो एबिलिटी टू डू वर्क। वी नीड इनर्जी टू डू एनी थिंग फ्रॉम लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग टू ब्रीथिंग, लाफिंग और टॉकिंग। वी नीड इनर्जी टू लिव। बच्चों, हमें इनर्जी जो है किसी भी वर्क को करने के लिए चाहिए, ठीक है। लिफ्टिंग के लिए, पुशिंग के लिए, पुलिंग के लिए, है ना, टॉकिंग के लिए, सब के लिए क्या चाहिए, तो इनर्जी चाहिए। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए भी इनर्जी चाहिए। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ इनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, अधिकतर एनर्जी जो है वो आपको जो है सन से ही आता है। सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर विंड एंड वाटर, कुछ अदर सोर्स क्या हैं, तो विंड और वाटर हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको जो है आगे बताएंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।